नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कुछ कॉल्स तो आती ही होंगी, मतलब दोस्तों जैसे कि आपको भी क्रेडिट कार्ड की तरफ से, क्रेडिट कार्ड कंपनी की तरफ से लिमिट को इंक्रीज़ कराने का ऑफर आता होगा, तो क्या ऐसे में आपको अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। दोस्तों अगर आप अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज़ करवाते हो तो इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और क्या क्या नुकसान होंगे, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा। देखिए दोस्तों, अगर आप बहुत टाइम से क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हो और टाइम टू टाइम उसकी पेमेंट को पे करते आ रहे हो, जो पेंडिंग पेमेंट होती है जो क्रेडिट कार्ड से हम यूज़ करते हैं, तो दोस्तों ऐसे में ना क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाया जाता है। जब आप अपने कार्ड को यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं और टाइम पर उसकी पेमेंट करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको हर बार ऑफर देती है क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाने के लिए। इसके रिगार्डिंग दोस्तों आपको बहुत सारे मैसेजेस आ सकते हैं, मेल आ सकती है, आपको कॉल्स भी आ सकते हैं, तो वो लोग आपको आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाने के लिए बोलते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आपको अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ा लेना चाहिए, मतलब इसके लिए आपको कभी भी मना नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत से लोगों के मुंह से आप सुनेंगे कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को नहीं बढ़ाना चाहिए। उससे क्या होता है, ऐसा होता है कि ज्यादातर लोग मतलब क्रेडिट कार्ड जैसे बहुत से लोग मतलब अगर क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करते हैं और अगर वो लोग अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज करवा लेते हैं तो ऐसे में उनको कोई फायदा तो है नहीं, उल्टा नुकसान होता है, क्योंकि जो उसका एनुअल फीस जाती है वो बढ़ती रहती है। जब आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ेगी तो आपकी एनुअल फीस भी बढ़ती है। देखिए दोस्तों, खर्चा करना ना करना वो आपके ऊपर है, आपको इसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। दोस्तों लिमिट ज्यादा होने का फायदा मैं आपको बता देता हूं, जब आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसका फायदा यह होता है। देखिए दोस्तों, ये जो क्रेडिट कार्ड का जो पैसा होता है ना, ये एक तरह का लोन होता है, बैंक एक तरह का लोन इशू करता है क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो मान के चलो अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है या 2 लाख रुपए है, तो फिर आपके पास तो 1 से 2 लाख रुपए का लोन हो गया एक तरह का। अगर मान के चलो आपको कोई बहुत महंगी चीज़ खरीदनी है, आपको कोई बहुत महंगा मोबाइल फ़ोन खरीदना है, कंप्यूटर खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना है, तो 1 लाख 1.5 लाख वाली कोई चीज़ खरीदनी है तो आप बहुत ईजिली खरीद सकते हो, क्योंकि बैंक ने आपको ऑलरेडी लोन दिया हुआ है। और ऐसे में बैंक आपसे कुछ ले थोड़ी रहा है, अगर आप टाइम पे उसकी पूरी पेमेंट कर देते हो 1 महीने के अंदर अंदर, तो बैंक तो आपसे कोई इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा ना। अगर आप उसकी पेमेंट को लेट करते हो तो बैंक आपसे जो है 3-4% के हिसाब से काटता है। अगर कोई प्राइवेट बैंक है तो वो लगभग 4% काट लेता है, कोई सरकारी बैंक है तो वो लगभग 2.5% काट लेता है। तो बस ये चीज़ें होती हैं और इसमें कुछ होता नहीं है। तो दोस्तों ऐसे में अगर क्रेडिट कार्ड की लिमिट आप इंक्रीज़ करवा लेते हो तो आपको बहुत सारे फायदे ही फायदे हैं। यहाँ पे मैं आपको और बहुत सारे फायदे बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं सिविल स्कोर की बात करूँगा। जो सिविल स्कोर होता है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मायने रखता है। जैसे कि ये जो सिविल स्कोर होता है ना दोस्तों, ये आपकी ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने मतलब आपके अकाउंट से कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है, कितना मतलब पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, आप कितना यूज़ कर रहे हैं अपने पैसों को जो आपके बैंक में हैं, या फिर आप क्रेडिट कार्ड से कितनी ख़रीदारी कर रहे हो, डेबिट कार्ड से कितनी ख़रीदारी कर रहे हो, तो उसके बिहाफ पे आपका सिविल स्कोर बनता है। देखिए दोस्तों, सिविल स्कोर अगर आपका अच्छा होगा ना, तो आपको ना कोई भी बैंक ना क्रेडिट कार्ड बहुत ही ईजिली दे देगी। क्योंकि मान के चलो अगर आपने किसी एक बैंक से, मान के चलो आपने HDFC बैंक का आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, ठीक है, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, या फिर आप डेबिट का यूज़ कर रहे हो, तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से आपका सिविल स्कोर बढ़ेगा। जब आपका सिविल स्कोर बढ़ता रहेगा, काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आपको 1-2-3 साल हो जाएंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा यूज़ करते करते, तो सिविल स्कोर अच्छा होने से आपको कोई भी बैंक बहुत ही ईजिली बहुत ही बड़े अमाउंट के साथ क्रेडिट कार्ड इशू करा देगा, और साथ ही साथ आपको अलग से लोन भी इशू करा देगा। मतलब कोई भी बैंक आपको आपके सिविल स्कोर के बिहाफ पे आपको बैंक अलग से लोन भी प्रोवाइड करा देगा। ये लोन की कोई लिमिट नहीं होती है, जितना अच्छा आपका सिविल स्कोर होगा उतना अच्छा आपको लोन भी मिलेगा। अब दोस्तों लोन आप किसी भी टाइप का ले सकते हो, होम लोन, कार लोन, बाइक लोन, बिजनेस लोन, मतलब किसी भी चीज़ के लिए आप लोन ले सकते हो, पर्सनल लोन, कोई भी लोन ले सकते हो आप। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो बैंक आपको किसी भी चीज़ का लोन दे सकती है। दोस्तों अब ये जो सिविल स्कोर है ये बिना क्रेडिट कार्ड के भी हमारा अच्छा हो सकता है। अगर हमारी ट्रांजेक्शन बहुत अच्छी है, डेबिट मतलब जो हमारा सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है,
मतलब मैं सेविंग अकाउंट की बात करूँगा फिलहाल, तो देखो करंट अकाउंट वालों के पास तो क्रेडिट कार्ड होते ही होते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही करंट अकाउंट में तो बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, तो जाहिर सी बात है वो तो बंदा क्रेडिट कार्ड यूज़ करेगा ही करेगा। तो फिलहाल मैं सेविंग अकाउंट की बात करता हूँ। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट में अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपके बैंक में पैसा आ रहा है, उससे आप खर्चा भी कर रहे हो, तो वहाँ से भी आपका सिविल स्कोर अच्छा हो सकता है। साथ ही साथ आप क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर रहे हो तो उससे भी आपका सिविल स्कोर और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे में जब भी आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज़ करने का ऑफ़र आता है ना, तो आप बिल्कुल भी मना मत कीजिए, क्योंकि ये ऑफ़र हर 6 महीने में आता है, मिनिमम 6 महीने में आता है, मैक्सिमम 7 या 8 महीने में आता है। तो दोस्तों अब आप सोच सकते हो ये कितना लंबा टाइम है, ऐसे तो है नहीं कि हर महीने या हर 2 महीने में ऑप्शन आता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ा लो, लेकिन ये 6 महीने से लेकर 8 महीने के बीच में आता है। तो ऐसे में आपको बढ़वा लेना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। और एनुअल फ़ीस इसकी सिर्फ 500 रुपये जाती है। जब क्रेडिट कार्ड की लिमिट आप बहुत ज़्यादा बढ़वा लेते हो, 1 लाख 2 लाख, तो 100-200 रुपये एक्स्ट्रा जाती है, मतलब 600-700 रुपये जाती है, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। सालाना आप दे भी सकते हो जब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो। देखो दोस्तों क्रेडिट कार्ड कौन यूज़ करता है, लिमिट कौन बढ़वाता है, जिसकी सैलरी ज़्यादा है, जिसका बिजनेस अच्छा है। जाहिर सी बात है लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाला तो क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करेगा, जाहिर सी बात है मिडिल क्लास वाले करेगा। तो वो क्रेडिट कार्ड जब यूज़ करेगा, लिमिट बढ़वाएगा, तो जाहिर सी बात है उसकी इतनी तो इनकम होगी ना कि वो एक्स्ट्रा चार्जेस पे कर सके। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बिल्कुल इंक्रीज़ करवाइए, जितनी भी इंक्रीज़ हो रही, चाहे वो 2 लाख तक हो रही हो, चाहे वो 5 लाख तक हो रही हो, आप बिल्कुल उसको इंक्रीज़ करवाइए। साथ ही साथ बैंक वालों से, क्रेडिट कार्ड कंपनी से ये पूछ लीजिए कि आपके कार्ड की जो लिमिट बढ़ रही है अब उसका एनुअल चार्ज कितना जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी पूछना है। यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जब भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के लिए आपको कॉल आता है, मेल आता है या मैसेज आता है, SMS वगैरह कुछ भी आता है, तो ऐसे में अगर आपसे कोई ये पूछता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का CVV नंबर बताइए जो बैक साइड में होता है, अगर वो कोई पूछता है तो उसको बिल्कुल भी नहीं बताना, इसका मतलब वो बंदा फ्रॉड है जो आपको जो आपसे पूछ रहा है, क्योंकि जो मतलब आपसे जो डिटेल ली जाती है वो आपका नाम, आपका नंबर, आपका एड्रेस और आपके कार्ड के ऊपर का जो 16 नंबर जो डिजिट नंबर होता है, बस वो CVV नंबर आप किसी को मत बताइएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों CVV नंबर तो किसी के पास नहीं होता, 16 नंबर का जो डिजिट होता है वो फिर भी एक बार को बैंक वालों के पास होता है, और नहीं होता तो वो पूछ लेते हैं, तो उसे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन CVV नंबर आप किसी को मत बताइएगा। अगर आपने CVV नंबर बता दिया तो आपके कार्ड से ट्रांजैक्शन हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो बस ये 2-3 चीज़ें मांगी जाती है आपके क्या नाम है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज़ करने के लिए, आपका नंबर, आपका नाम और आपका एड्रेस, आपका ईमेल वगैरह, बस ये सब मांगा जाता है। हो सकता है बैंक वाले आपके कार्ड के ऊपर जो 16 डिजिट का नंबर है वो भी मांगे, तो आप वो भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन CVV नंबर आप किसी को मत बताना, बस इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी और समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, कमेंट कर लेना, कमेंट करके जो पूछना है वो पूछ लेना, मैं आपको 24 घंटे में उसका रिप्लाई दे दूंगा। ऐसी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, डेबिट कार्ड से रिलेटेड और भी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।